45 वर्ष हो गए एलियन फ्रेंचाइज हमें मुसलसल ख्वाबों में हॉन्ट करती है और हमें स्पेस की गहराइयों के खौफ में मुब्तला करती है। इस फ्रेंचाइज ने हॉलीवुड की हिस्ट्री के एक सबसे टेरिफाइंग क्रीचर से हमें मुतारिफ करवाया है, ज़िनोमॉर्फ से। जी हाँ, 1979 में रिडली स्कॉट ने सबसे पहली एलियन मूवी की बुनियाद रखी। ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं थी बल्कि एक टेरर का सफर था, ब्लेंडिंग द अननोन विद द प्राइमल फियर। इस मूवी की जो कोर थी, उसकी बुनियाद H.R. गीगर, जो कि एक स्विस विजुअल आर्टिस्ट है, उनके डिज़ाइन से बनती है। H.R. गीगर की जो स्पेशलाइजेशन थी वो विजुअल आर्ट्स में बायोमैकेनिकल डिज़ाइन में थी। इनका खासा था वो कुछ लिविंग बींग्स को मशीन्स के साथ कुछ इस तरीके से ब्लेंड करते थे कि इंतहाई हॉरिबल क्रीचर्स और हॉरिबल डिज़ाइंस वजूद में आते थे। 20th सेंचुरी फॉक्स H.R. गीगर को अपनी मूवी के डिज़ाइंस में लेने के लिए रिलक्टेंट थी, क्योंकि वो समझते थे कि ये आर्टिस्ट बहुत हॉरिबल किस्म के डिज़ाइंस बना सकता है। H.R. गीगर ने जो ज़िनोमॉर्फ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, वो कैरेक्टर हमें पिछले 45 साल से मुख्तलिफ मूवी फ्रेंचाइजेज में नज़र आता है। तो 1979 की ये एलियन मूवी हासिल कर पाई एकेडमी अवार्ड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में। फास्ट फॉरवर्ड करें 1986 में जेम्स कैमरॉन ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। जेम्स कैमरॉन जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने टाइटैनिक, एवतार और टर्मिनेटर जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया। ये मूवी जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट की तो हमें नज़र आती है कि इसकी पेस बहुत फास्ट हो गई और ये फुल एक्शन पैक्ड एक सीक्वल था जो कि मूवी का बना था। और इसमें फिर ज़िनोमॉर्फ की कुछ नई फॉर्म्स, यानी कि जो उसकी जान है ज़िनोमॉर्फ के कैरेक्टर की, क्वीन नज़र आती है। क्वीन जो कि नॉर्मल ज़िनोमॉर्फ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है और उस जिगेंटिक भी है साइज में, और जो कि एग्स ले करती है और फिर रिप्रोडक्शन करती है। हमें ज़िनोमॉर्फ के अंदर बहुत सारी इवोल्यूशन नज़र आती है, विद मुख्तलिफ पार्ट्स जो मूवीज़ के बने हैं उसमें ज़िनोमॉर्फ की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और उसके लाइफ साइकल्स की मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। जिसकी पहली फॉर्म है वो एग की सूरत में है, जिसमें से जब ये रिप्रोड्यूस होता है तो एक फेस हगर निकलता है इसके अंदर से, इंसानों को इम्प्रेगनेट कर सकता है, चाहे मेल्स हों या फीमेल्स। उनके माउथ के ज़रिए वो एक कनेक्शन उनके साथ इस्टेब्लिश कर लेता है, उनके फेस को कवर कर लेता है और फिर वो वहाँ पर अपने एग्स ले करता है और इंसान जो है वो ग्रेजुअली उसके लिए एक होस्ट का काम कर। बुनियादी तौर पर ज़िनोमॉर्फ एक पैरासाइट है, वो इंसानों में अपने होस्ट ढूंढ लेता है और उनके अंदर से अपनी रिप्रोडक्शन जारी रखता है। ज़िनोमॉर्फ की एक बड़ी ब्लडी किस्म की सूरत है जिसको चेस्ट बस्टर कहा जाता है। ये जब ह्यूमन को इम्प्रेगनेट कर देता है तो उसके बाद उसकी चेस्ट में से, इस चेस्ट को चीर के चेस्ट बस्टर उसमें से बाहर निकल आता है। और ये विद इन आवर्स एक एडल्ट ज़िनोमॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। पहली दो मूवीज़ के बाद जब हम इसकी तीसरे और चौथे पार्ट पे जाते हैं, एलियंस 3 और एलियंस रेजरेक्शन में, तो मूवी अपनी ग्रिप लूज़ करती हुई नज़र आती है। एलियन 3 की जो थीम है वो बड़ी नायलिस्टिक और बड़ी डार्क है,
और ऐसा लगता है कि वो प्लॉट अपना लूज कर गए और स्टोरी को भी लूज कर गए। रिडली स्कॉट ने इस फ्रेंचाइज को एक नई सूरत देने की कोशिश की और प्रोमीथियस और एलियन कोवेनेंट दो मूवीज बाद में इंट्रोड्यूस करवाई। ये दोनों मूवीज जो एलियन मूवी की एक्चुअल थीम्स थी उससे थोड़ी सी हटके थी और ये एक प्रीक्वल था जिसमें ज़ेनोमॉर्फ के कैरेक्टर की डेवलपमेंट और वो कैसे उसका ओरिजिनेशन होता है उसके ऊपर ज़्यादा तफसील इन मूवीज़ में दी गई। अब हम हैं 2024 में और एलियन फ्रेंचाइज कंसिस्टेंटली काम कर रही है और 2024 में रिसेंटली जुलाई में एलियन रोमुलस के नाम से एक नई मूवी, एक नया सीक्वल सिनेमाज में देखा जा सकता है। 2024 में हम देखते हैं कि ज़ेनोमॉर्फ जो है वो ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है और ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका है। 2024 में ज़ाहिर है 1979 की नस्बत जो विजुअल इफेक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी कई दर्जे ज़बरदस्त हो चुकी है और अब आपको कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फील होते हैं। तो ये एक फुली एक्शन पैक्ड और सस्पेंसफुल मूवी है। वो लोग जो हॉरर जॉनरा, स्पेशली हॉरर जॉनरा में साइंस फिक्शन हॉरर जॉनरा को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये मूवी द बेस्ट साबित हो सकती है। कौन सी मूवी एलियन फ्रेंचाइज में सबसे बेस्ट मूवी कहला सकती है तो इसका फैसला करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एक तरफ रिडली स्कॉट की ओरिजिनल एलियन जो कि पहला पार्ट है जो कि पायनियर, उसको तो आप किसी भी लिहाज से ये नहीं कह सकते कि वो कमतर है क्योंकि वहाँ से एक कैरेक्टर की ओरिजिन होता है और वही मूवी है जो कि इन तमाम फ्रेंचाइज में ऑस्कर नॉमिनेटेड और ऑस्कर विनर है। जेम्स कैमरॉन का जो दूसरा पार्ट है फुली एक्शन पैक्ड पार्ट है, सिंपल स्टोरी है और बड़े इफेक्टिवली इसको मैनेज किया गया है। उससे आगे आने वाले पार्ट्स में वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं और इतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं, लेकिन जो लेटेस्ट इनकी रिलीज है 2024 में उसको भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत कमाल की और बेस्ट प्रोडक्शन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन है एलियन फ्रेंचाइज की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि एलियन फ्रेंचाइज फ्यूचर में भी मूवीज़ कंटिन्यू रखेंगी और साइंस फिक्शन हॉरर जॉनरा के जो फैंस हैं उनको मायूस नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।